मेरा नाम प्रीति कश्यप है, हम लोग गुना जिले से आए। मेरा नाम श्याम सुंदर सैनी है, मेरी बेटी गुंगुन से है। ये पी में चल रही थी लड़की लोग की, 1 किलो 700 ग्राम की। हम लोगों ने सोचा कमजोर है, देर से चलेगी बेटे की। जन्म के 2-2.5 साल बाद हमें पता लगा था इसको सेरेब्रल पाल्सी। मतलब इस बीमारी का नाम जानते कि सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है, क्या होता है, इसके लक्षण है। अब जब हमको पता लगा, हम सोचते थे कि इसको पोलियो भी नहीं, कुछ भी नहीं, चल के हो गई थी, कमजोर इसलिए नहीं चल पा रही है, चलेगी मगर चलती नहीं थी, वो करवट नहीं लेती थी, बैठ भी नहीं पाती थी। अच्छा, ऐसे पेशेंट हमने कभी देखे ही नहीं थे। पहले बार इसको देखा, इसके बाद हमें पता चला कि सीपी ये चीज होती है, ऐसा होता है सीपी में, या सीपी के लक्षण है लार गिरना, थूकाना, आंखों में भेंगापन होना, चलना नहीं, हाथ नहीं उठाना, मतलब कोई चीज करने का प्रयास नहीं करना। हमारे गुना में फिजियोथेरेपी सेंटर है, तो वहाँ कराए 1.5 साल तक। फिर इसके बाद उदयपुर का बताया किसी ने, उदयपुर ले जाओ, वहाँ भी नंबर लगाया, पर वहाँ 2 साल तक इंतजार करते रहे तो नंबर नहीं आ पाया। हर 6 महीने 3 महीने बुलाते रहे, फीस लेते रहे, दवाई देते रहे और हम भी देते रहे। जबलपुर और ग्वालियर सभी बड़ी बड़ी जगह पर हमने दिखाया, वहाँ सभी लोगों ने यही कहा कि इसका केवल फिजियोथेरेपी ही इलाज है और इसका दवाई गोली का कोई असर नहीं है, अगर झटके आते हैं तो उसके लिए दवाई जरूर है। तो दवाई देते थे थोड़ी ताकत की, एक मेंटेट करके आते हैं, उसको कहते हैं कि दिमाग बढ़ता है इससे, मेंटेट साइरफ है वो दे देते कि इससे थोड़ा दिमाग में प्रोग्रेस होगी, सही हो जाएगा। वो बहुत दवाई की इससे कुछ असर तो नहीं समझ में आया, नुकसान भी समझ में नहीं आया, मगर वो हमें ऐसा लगता है दवाई खाकर बहुत परेशान हो चुकी है। फिर एक इनके ऑफिस के वो है ऑफिसर है, उनके बेटे का यहाँ इलाज चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर के जैन के यहाँ जाइए, इलाहाबाद में उनका एड्रेस वगैरह दिया हूँ। फिर मैं यहाँ पे आज उजेंसर से मिला, तो उन्होंने बताया कि इसकी सर्जरी होगी, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम लगेगा। तो फिर हम लोग 2013 में इसको लेके आए थे आस पास के मिलने वाले लोग, तो उन्होंने ये बताया था कि कहाँ इलाहाबाद गंगा जी नहाने ले जा रहे हैं लड़की को, आप दिल्ली ले जाओ, बम्बई ले जाओ, इलाहाबाद में कोई इलाज नहीं है। और जब हमने यहाँ पे आकर देखा तो हर स्टेट से यहाँ पे मतलब पेशेंट आए हुए थे, तो हमें लगा सही जगह है। आप भी हम ये मानते हैं कि यहाँ के अलावा शायद हमारे नारे में और कहीं इलाज संभव नहीं लगा कि कुछ तो प्रभाव होगा इसका, अच्छी होने की आशा जागी और बच्चों खुद से मिले जो ठीक हो गए थे, चलने लगे हैं वो, ऐसे बच्चे देखे तो लगा कि थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ेगा। फिर इसका ऑपरेशन कराया तो थोड़ा पेट में क्रॉस बना दी थी, तो बैठ भी नहीं पाती थी अच्छे से, सिर भी देर से संभाला, 2.5-3 साल में संभाला, सिर चल तो पाती नहीं थी। फिर ऑपरेशन के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, 6 महीने यहाँ आए, फिर इसको फिजियोथेरेपी कराई यहाँ लेके ऑपरेशन के बाद, घर पर करा रहे हैं एक्सरसाइज। पहले बार जो घुटने मोड़ रही थी सर्जरी से पहले वो ठीक हुए, पैरों का क्रॉस करना पड़ रहा था वो ठीक हुआ, बैठ नहीं पा रही थी वो ठीक से बैठने लगी। प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे हम लोग, एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होना जरूरी है, पर चल रही है फिर भी कराते हैं घर पे, तो चल रहा है, थोड़ी छड़ी से चलने लगी है पर ज़्यादा तो नहीं। बस ये कि घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए ऐसे बच्चों को, पर फिजियोथेरेपी इलाज है इसका, वही कराते रहना चाहिए। जाएंगे उसको उसकी स्थिति पर ना थोड़ा उसका इलाज कराएं और बच्चा हो सकता है सुधर जाए। दिमाग तो कम नहीं कहा जा सकता, किसी क्षेत्र में हो सकता है कम हो, मगर कई क्षेत्रों में बहुत सामान्य बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है ऐसे बच्चों की, हम जो याद नहीं रख सकते हैं 3-4 साल पुरानी सामान्य बात है वो बच्चा रख सकता है। और किसी क्षेत्र में हो सकता है कि कम हो या उसकी रुझान ना हो उस तरह, वो चीज़ ध्यान नहीं रखता वो बच्चा। बाकी जो बच्चे की चीज़ कोई अच्छी लग रही है या उसके दिमाग में आ जाती है, बहुत ज़्यादा याददाश्त अच्छी है। हमारे मित्र हैं, उनका बेटा ही ऐसे ही टीचर है, तो हमको बताया निरामया कार्ड के बारे में, बताया सब चीज़ बताई कि भाई ले चलो हम चलते हैं आपके साथ, हम हमारे साथ चल के एक बार देख लिया। उनका ये कहना होगा कि बच्चा ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। हमने उनको गवर्नमेंट सुविधाओं के बारे में बताया कि भाई गवर्नमेंट ऐसा ऐसा पैसा देती है आपको, इलाज के लिए देगी, यात्रा का देगी, पेंशन देती है, राशन का सामान देती है, इन सुविधाओं को आप लाभ लें। और अगर आपको वहाँ चली मेरे साथ डॉक्टर जैन साहब को दिखाइएगा, अगर आपको वहाँ पर लगे तो ठीक है, तो बोले नहीं नहीं कोई जाने से फायदा नहीं, हमारा बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। तो वो यहाँ तक कि हमने सब सुविधाओं के बारे में बताया, दवाओं का सारा पैसा मिलेगा, इलाज का मिलेगा, जो ट्रेन में अपन सफ़र करते हैं उसका पैसा मिलेगा, उसमें कंसेशन मिलेगा, तब भी वो आने को तैयार नहीं, वो टीचर है। और उन्होंने उसी हाल में छोड़ दिया। मैं क्या हॉस्पिटल में ही हॉस्पिटल में सिस्टर हूँ, गए तो मेरे फील्ड रहता है, गाँव जाना पड़ता है, तो वहाँ बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते, ऐसे बच्चों को तो वो छोड़ देते हैं, इसकी तो कोई वही नहीं है, ना खाना खिलाना टाइम से, ना कुछ हर तरह के, मतलब ये है तो उनको नकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगर आदमी सोच ले कि हाँ हमको कुछ करना है, ये नहीं आएगी हम अकेले, इसको हमने 6 महीने रखा अकेले,
छः महीने से पता नहीं कुछ खाया या नहीं खाया, हम भी टिफिन सेंटर से टिफिन लेके आते थे, खाना खाते थे, उसका खाना भी अच्छा नहीं होता था। और हम ऐसे माहौल में रहे सर पे जहाँ पे हमारे घर में सारी सुविधाएं हैं, 24 घंटे लाइट, 24 घंटे पानी, 24 घंटे हर चीज़, 24 घंटे सुरक्षा, तो हमारा रहना यहाँ पर बहुत मुश्किल था। तब भी हमने सोचा कि हमें तो रहना है। कुछ दिन हम रोने लगे, दो तीन महीने बाद हमको तो घर जाना है, घर जाने से बीमार हो रही थी बार बार। फिर सब लोगों ने अंदर से सहयोग दिया, तो यार टेंशन नहीं लो, 3 महीने आपने निकाली, 3 महीने निकालिए, निकलते निकलते निकल गया, थोड़ा सा लाभ हुआ।